सो अप टिल नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये यूनिट नंबर 3 राइट, के जिसके अंदर हमने विंडोज कंट्रोल्स रिलेटेड जो हमें हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो बेस क्लास है दैट इज कंट्रोल क्लास, वो तो हमने कंप्लीट कर ही दिया था। उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विथ कॉमन कंट्रोल्स, और कॉमन कंट्रोल्स के अंदर हमने देखा था लेबल कंट्रोल, लिंक लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, बटन कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल एंड पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। दिस वेर द कंट्रोल्स विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद इन लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट टू लास्ट लेक्चर, राइट। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। सो टूडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट। अगेन आई रिपीट, टूडे वी विल स्टार्ट विद लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। एंड आप यहाँ पे वो कैसे दिखता है वो भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इमेज रखी है। दिस इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एंड एज द नेम सेज इट विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स, राइट। वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिस्प्ले करके हमें देगा। ऑब्वियसली यूजर कैन सिलेक्ट आइटम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट। सो एज द नेम सेज लिस्ट बॉक्स मीन्स इट इज अ बॉक्स के जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले करेंगे यूजर को, अगर कोई हमें सिलेक्शन देना है तो। एंड यूजर उसमें से वन या फिर मल्टीपल आइटम्स भी वो सिलेक्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वो वन सिलेक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर हम सिलेक्शन मोड सेट करेंगे मल्टी वैल्यू, राइट, दैट इज मल्टीपल सिलेक्शन, तो हम वहां पे कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो हियर इट इज, फर्स्ट इज अलाउ सिलेक्शन। ऑब्वियसली अगर हमें यूजर को थोड़े वक्त के लिए ऐसा सेट करना है कि यूजर ये लिस्ट बॉक्स के अंदर से कोई भी वैल्यू नहीं सेट कर सकता, तो अलाउ सिलेक्शन प्रॉपर्टी को हम फॉल्स सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डेटा बाइंडिंग्स, डेटा सोर्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी देखी है, राइट। डेटा सोर्स में तो आपको पता ही है कि हम ये पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर डेटाबेस में से कोई भी, सॉरी डेटा सेट में से कोई टेबल्स की कोई पर्टिकुलर कॉलम को सेट करना चाहते हैं, राइट, कोई पर्टिकुलर टेबल हम सेट करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं, राइट। डेटा मेंबर, डेटा मेंबर एंड ये जो डेटा बाइंडिंग है वो बाइंडिंग नेविगेटर एक डेटा कंट्रोल है उसके साथ यूज होता है, राइट। वो बाइंडिंग नेविगेटर कंट्रोल ऑब्वियसली अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करके आप नेविगेशन कर सकते हो, एड डिलीट कर सकते हो, बिकॉज उसके रिलेटेड उसके ऊपर फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है। तो वहां पे हमें करेंसी मैनेजर एक ऑब्जेक्ट है उसका यूज होता है, राइट। और वो करेंसी मैनेजर हमें नेविगेशन करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने ऑलरेडी वो लॉजिक किया है, नेविगेशन का लॉजिक हमने ऑलरेडी किया था, उसके अंदर हमने वो INC वेरिएबल का यूज किया था कि जिसके अंदर करंट कौन सी रो है, कौन सा रिकॉर्ड है, वो वहां पे सेट होता था। सो सेम टास्क इज परफॉर्म बाय करेंसी मैनेजर, लेकिन वो ऑटोमेटिक करता है। वहां पे हमने माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू का यूज करके प्रीवियस नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी कर की थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक करेंसी मैनेजर कर देता है फॉर दैट बाइंडिंग नेविगेटर कंट्रोल। देन देर आर अनदर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज डिस्प्ले मेंबर एंड वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी, राइट। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिस्ट बॉक्स के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होती है, लेकिन अगर हमें ऐसा करना है कि डिस्प्ले हम एक कॉलम करें और इंटरनली अगर हमें यूज करना है तो हम दूसरी कॉलम सेट करें, मतलब वैल्यू के लिए हम दूसरी कॉलम सेट करें, सो फॉर दैट पर्पज हम ये डिस्प्ले मेंबर एंड वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले मेंबर के अंदर हम जो फील्ड सेट करेंगे वो फील्ड लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगी, लेकिन वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी में हम जो फील्ड सेट करेंगे वो हम इंटरनली उसको यूज कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर टू अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के जो हम डेटा सोर्स के साथ लिस्ट बॉक्स में यूज करेंगे। अगर हम रन टाइम पे सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके कोई भी डेटा सोर्स या फिर टेबल सिलेक्ट करके डेटा सेट के अंदर लाते हैं एंड आफ्टर दैट वी वांट टू डिस्प्ले दोस वैल्यूज
दो फील्ड्स इन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, तो वहां पे हमें डेटा सोर्स का सेट करना ही पड़ेगा, बट अलॉन्ग विद दैट हमें डिस्प्ले मेंबर एंड वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी भी सेट करनी पड़ेगी, ताकि हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को बता सके कि लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कौन सी फील्ड करनी है एंड इंटरनली वैल्यू जब हम रिट्राइव करेंगे तो कहाँ से वो वैल्यू आएगी. After that, format string and formatting enable, these two properties are related to formatting the value या फिर formatting the value of items के जो हम list box control में display करते हैं, right? अगर हमें particular format में ही value चाहिए तो पहले तो हम formatting enable करेंगे ताकि हम set कर सके कि formatting करना है, and after that हम formatting string मतलब format string हम वहां पे specify करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वहां पे एक फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर की फील्ड है, राइट, जो हमें डिस्प्ले करनी है बट इन सम पर्टिकुलर फॉर्मेट, राइट. हमने बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय नंबर सेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जब वो डिस्प्ले होता है तब वो सारे नंबर्स मुझे 3 डिजिट्स में चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल के जो मैंने आपको दिया. सो लाइक दिस, अगर आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैरेक्टर्स चाहिए कि जो आपको डिस्प्ले करने हैं इन लिस्ट बॉक्स फॉर द आइटम्स, राइट, तो आप ये फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज आइटम्स कलेक्शन, राइट. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी के नेम में आपको लास्ट में एस मिलेगा, दैट इज द एंडिंग कैरेक्टर इज एस, those all properties are collections, right? वो आपको याद रखना है. Okay, so items collection में हम वो items या फिर values set कर सकते हैं कि जो हमें list box में display करनी है. Then another properties are selected index, selected indices, selected item, selected items, selected value, right? And selection mode. These are the properties के जो हम जब list box में कोई भी item select करेंगे, right? तब हम इसमें से properties use कर सकते हैं, right? अगर index है तो आपको वहां पे ध्यान रखना है it is zero base index, because ये VB.NET है तो उसके अंदर one base index भी हो सकता है and zero base index भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भी index हम use करेंगे related to the controls, right, तो याद रखना है कि zero base index होगा, right. So selected index property के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो currently हमने item select की है उसका index हमें मिलेगा, मतलब index value हमें वहां पे मिलेगी. लेकिन selected indices में हमें क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स कि हम सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू वी सेट द प्रॉपर्टी हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं. सो मल्टीपल सिलेक्शन तो हम सेट करेंगे सिलेक्शन मोड में जो बाय डिफॉल्ट सिंगल होगा, लेकिन हम इसके अंदर मल्टीपल सेट करेंगे तो लिस्ट बॉक्स में से हम मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली वहां पे कंट्रोल की प्रेस करनी पड़ेगी, राइट. सो सिलेक्शन मोड में अगर सिंगल है तो हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ऑब्वियसली सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी में से हमें जो करंटली सिलेक्टेड आइटम है वो हमें रिटर्न करेगा. लेकिन अगर मैं सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी में मल्टीपल सेट करती हूँ, मतलब यूजर ने मे बी पॉसिबल के मल्टीपल वैल्यूज भी सिलेक्ट की हुई हो सकती है, राइट. सो वहां पे मैं सिलेक्टेड इंडाइसेस सिलेक्टेड आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करूंगी बिकॉज वहां पे कलेक्शन होगा. मे बी पॉसिबल यूजर सिंगल वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकता है, टू वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकता है, फाइव वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकता है. तो वहां पे मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट हुई होगी तो वहां पे सिंपल सिलेक्टेड इंडेक्स एंड सिलेक्टेड आइटम वर्क नहीं कर सकता बिकॉज इट इज फॉर सिंगल सिलेक्शन. अगर हम मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास वो कलेक्शंस होने चाहिए कि जिसके अंदर सारी सिलेक्टेड वैल्यूज, सारी सिलेक्टेड आइटम्स वहां पे हमें मिले. इसीलिए वहां पे हम यूज करेंगे सिलेक्टेड इंडाइसेस एंड सिलेक्टेड आइटम्स प्रॉपर्टी, राइट. जो सिलेक्टेड इंडाइसेस हमें क्या रिटर्न करेगा, जितनी भी करंटली सिलेक्टेड आइटम्स है उसका वो सारी आइटम्स के इंडेक्स एंड सिलेक्टेड आइटम जो सारी आइटम्स हमने सिलेक्ट की है, राइट, उसकी वो सारी आइटम्स. सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी, सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगा, जो भी
आइटम हमने लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट की है, वो पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड जो वैल्यू मेंबर प्रॉपर्टी में जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा. जैसे हम फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेंबर सेट करेंगे डिपार्टमेंट नेम, लेकिन वैल्यू मेंबर सेट करेंगे डिपार्टमेंट नंबर. तो अगर मैंने एडमिन डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है तो एडमिन डिपार्टमेंट का फॉर एग्जाम्पल वैल्यू मेंबर में दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो वो सिलेक्टेड वैल्यू मुझे 20 रिटर्न करके देगा. नेक्स्ट इज शॉर्टेड. अगर हमें लिस्ट बॉक्स में जो भी आइटम्स है वो शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो वो हम सेट कर सकते हैं, राइट. टॉप इंडेक्स. टॉप इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है कि जो भी फर्स्ट विजिबल आइटम है उसका इंडेक्स क्या है, वो अगर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से गेट या फिर सेट कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड इज क्लियर सिलेक्टेड, मतलब जो भी सिलेक्टेड आइटम्स है वो सारी आइटम्स मुझे अनसिलेक्ट करनी है, क्लियर करनी है, तो मैं ये मेथड का यूज कर सकती हूँ. फिल्टर आइटम ऑन प्रॉपर्टी, राइट. अगर मुझे पर्टिकुलर आइटम्स को फिल्टर करना है, राइट, करंट वैल्यू तो रिट्राइव करनी ही है, बट वो पर्टिकुलर फिल्टर करके मुझे वो वैल्यूज लानी है, तो फिल्टर आइटम ऑन प्रॉपर्टी मेथड का मैं यूज कर सकती हूँ. फाइंड स्ट्रिंग एंड फाइंड स्ट्रिंग एग्जैक्ट, राइट. फाइंड स्ट्रिंग एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट मैच होगा तो वो रिटर्न करेगा, फर्स्ट आइटम जो मैच होगी एग्जैक्ट वो रिटर्न करेगा. लेकिन फाइंड स्ट्रिंग ऑब्वियसली वो भी फर्स्ट मैच ही वो रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैंने वहां पे सेट किया है फॉर एग्जाम्पल पेन, फाइंड स्ट्रिंग के अंदर मैंने सेट किया है पेन, तो वो पेन भी रिटर्न करेगा और पेंसिल भी रिटर्न करेगा, राइट, अगर मेरे पास वो रिकॉर्ड्स है तो. लेकिन फाइंड स्ट्रिंग एग्जैक्ट है तो वो सिर्फ पेन ही रिटर्न करेगा, राइट. ओके. गेट आइटम हाइट, गेट आइटम टेक्स्ट, गेट सिलेक्टेड. ऑब्वियसली गेट सिलेक्टेड क्या रिटर्न करेगा कि पर्टिकुलर आइटम सिलेक्टेड है कि नहीं है वो रिटर्न करेगा. गेट आइटम टेक्स्ट मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आइटम, जो हम आइटम स्पेसिफाई करेंगे उसकी टेक्स्ट वो रिटर्न करेगा. गेट आइटम हाइट पर्टिकुलर आइटम की हाइट रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज. स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है उसकी डिफॉल्ट इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट. मतलब अगर मुझे ये सिलेक्टेड इवेंट इंडेक्स चेंज इवेंट रेज करनी है एक्सप्लिसिटली, राइट, तो मैं ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट का मेथड का यूज कर सकती हूँ. रिफ्रेश आइटम्स. रिफ्रेश आइटम्स मतलब ऑब्वियसली इट विल रिफ्रेशेस ऑल द आइटम्स, राइट. इट विल रिफ्रेश अ पर्टिकुलर आइटम एट सम पर्टिकुलर इंडेक्स. मुझे वहां पे इंडेक्स सेट करना पड़ेगा, इंडेक्स उसे देना पड़ेगा कि कौन सी आइटम को उसे रिफ्रेश करना है. एंड इफ आई वांट टू रिफ्रेश एंड रिट्राइव न्यू स्ट्रिंग मोर देन वन आइटम्स मींस, तो मैं रिफ्रेश आइटम्स मेथड का यूज कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज सेट सिलेक्टेड. सेट सिलेक्टेड मतलब अगर मुझे जो भी सिलेक्शन है, राइट, उसको सिलेक्ट करना है या फिर क्लियर करना है, तो मैं ये सेट सिलेक्टेड का यूज कर सकती हूँ. मतलब ये जो सेट सिलेक्टेड मेथड है उसका यूज करके मैं बोथ द टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ, सिलेक्ट भी सेट कर सकती हूँ या फिर सिलेक्टेड आइटम्स को क्लियर भी कर सकती हूँ, राइट. नेक्स्ट इज शॉर्ट. अगर मुझे लिस्ट बॉक्स में जो भी आइटम्स है उसे शॉर्ट करना है तो मैं शॉर्ट मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स ऑफ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. लेकिन लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में हम जो भी आइटम्स ऐड करते हैं, राइट, वो हम आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड करते हैं. अगेन आई रिपीट, लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर हम जो भी आइटम्स ऐड करते हैं वो हम आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड करते हैं. और वो आइटम्स कलेक्शन हमें कैसे मिलेगा, लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी विंडो में हम आइटम्स प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे. आइटम्स प्रॉपर्टी के साथ वहां पे वो इलिप्सिस का बटन होगा, थ्री डॉट का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वहां पे एक विंडो मिलेगी, दैट इज एडिटर विंडो, जहां पे हम इंडिविजुअल लाइन के अंदर हम इंडिविजुअल वैल्यूज ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल मुझे कंट्री के नेम्स ऐड करने हैं तो फर्स्ट लाइन के अंदर मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल इंडिया, सेकेंड लाइन के अंदर मैं लिखूंगी ऑस्ट्रेलिया, थर्ड लाइन के अंदर लिखूंगी अमेरिका,
राइट लाइक दैट वाइज, एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। सो वो जो भी वैल्यूज मैंने आइटम्स कलेक्शन के अंदर एड कर दी वो लिस्ट बॉक्स के अंदर डिजाइन टाइम पे एड हो जाएगी। बट अगर मुझे वही चीज रन टाइम पे करनी है राइट, तो हम वहां पे एड मेथड का यूज कर सकते हैं, एंड वो टास्क भी हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में देखा है राइट। सो हम कैसे करेंगे, डिजाइन टाइम पे भी हम लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन का यूज करते हैं, तो रन टाइम पे भी हम लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन के अंदर ही वैल्यू एड करेंगे। और हमें पता है कि अगर हमें कलेक्शन के अंदर वैल्यू एड करनी है तो एड मेथड का यूज करना पड़ेगा। So I will write for example name of the list box, that is LS3 country, for example dot items dot add parenthesis double quotation mein India, right? To main us hisab se add kar sakti hai. In short, jo bhi items add hoti hai wo ek collection hai, matlab items collection ke andar wo add ho jata hai. Aur agar collection hai to uski properties bhi hogi, matlab item ki properties bhi hogi. Right, so here are the properties. First is count. So list of items में कितनी items है वो मुझे count चाहिए, तो count property में मुझे वो count मिल जाएगा। Particular item अगर मुझे चाहिए, right? Items is the collection, लेकिन वो collection में से मुझे सिर्फ एक item चाहिए, right? So वो item मुझे चाहिए तो वो ये item property में से मुझे मिलेगा। Then अगर मुझे check करना है कि ये particular item read only है कि या नहीं है, राइट, सो इज रीड ओनली, मैं प्रॉपर्टी का यूज करके ये चेक कर सकती हूँ कि ये आइटम रीड ओनली है कि नहीं है, राइट। एंड ऑब्वियसली इफ इट इज कलेक्शन, अगर सो ऑब्वियसली हमारे पास मेथड्स होगी। सो मेथड, एक मेथड तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मुझे कलेक्शन में एड करना है तो मैं एड मेथड का यूज कर सकती हूँ। कलेक्शन में से कोई आइटम्स रिमूव करनी है तो मैं रिमूव मेथड का यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे पूरा कलेक्शन रिमूव करना है, मतलब सारी आइटम्स रिमूव करनी है, तो मैं क्लियर मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। अगर मुझे एक साथ सेवरल आइटम्स एड करनी है, एड मेथड का यूज करके तो मैं सिंगल आइटम ही एड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे एक साथ बहुत सारी आइटम्स को एड करना है एट रन टाइम, तो मैं एड रेंज मेथड का यूज कर सकती हूँ, राइट। कॉपी टू, अगर मुझे एक कलेक्शन में से दूसरे कलेक्शन में कॉपी करना है तो कॉपी टू का यूज कर सकती हूँ। इंडेक्स ऑफ, पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स ऑफ मेथड का मैं यूज कर सकती हूँ। इंसर्ट, अगर मुझे लिस्ट बॉक्स में स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफाइड इंडेक्स के ऊपर कोई नई आइटम इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट मेथड का यूज कर सकती हूँ। इंडेक्स का यूज करके पर्टिकुलर इंडेक्स पे से कोई पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है तो रिमूव एट, एंड मैं वहां पे इंडेक्स स्पेसिफाई करूंगी तो वो आइटम रिमूव हो जाएगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द मेथड्स ऑफ आइटम्स कलेक्शन के जो लिस्ट बॉक्स के साथ अवेलेबल है, right? मतलब लिस्ट बॉक्स दैट इज अ कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है दैट इज आइटम्स कलेक्शन, राइट। सो कलेक्शन है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होगी। सो अगर एग्जाम में आता है कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एक्सप्लेन करो, तो आपको दोनों चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंट्रोल इज चेक लिस्ट बॉक्स, एंड वी विल सी दैट कंट्रोल इन नेक्स्ट लेक्चर। सो इट्स इनफ फॉर टूडेज लेक्चर। अगर आपको आज हमने जो एप्लीकेशन की वो और ये जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल देखा, वो दोनों में से अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।